सब्सक्राइब कीजिए एडमिशन इन्फॉर्मेशन को और लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एडमिशन इन्फॉर्मेशन में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जीपैट एग्ज़ाम के बारे में। मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि जितने भी फार्मेसी स्टूडेंट्स हैं, सिर्फ उनके लिए वीडियो है और भी किन्हीं स्टूडेंट्स के लिए नहीं है। फार्मेसी में भी वो स्टूडेंट जो बी फार्मा कर चुके हैं, उनके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि ग्रेजुएट फार्मेसी एप्टीट्यूड टेस्ट क्या होता है, कौन कौन एग्ज़ाम इसको कंडक्ट कराती है, कौन सी एजेंसी, और ये भी जानेंगे कि इस बार कितना सारा पैसा लगने वाला है एग्जामिनेशन को लेकर के, और कौन कौन से स्टेट में एग्ज़ाम कंडक्ट होगा। सारी चीज़ें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंतर्गत। तो वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिएगा और वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा क्योंकि कुछ चीज़ें आपको समझ में नहीं आएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जीपैट का फुल फॉर्म होता है ग्रेजुएट फार्मेसी एप्टीट्यूड टेस्ट। आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो, ग्रेजुएट फार्मेसी एप्टीट्यूड टेस्ट। अब ये किसके लिए होता है? तो जितने भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अपना बैचलर डिग्री कंप्लीट कर लिया है, ठीक है, यानी कि वो बी फार्मा कंप्लीट कर लिए हैं और आगे वो हायर एजुकेशन के लिए वो एम फार्मा करना चाहते हैं। तो अगर वो एम फार्मा करना चाहते हैं, उनके लिए होता है जीपैट का एग्ज़ाम। जीपैट एग्ज़ाम जो होता है वो ऐसे जैसे किसी में गवर्नमेंट हैं और प्राइवेट कॉलेज हैं, सारे उसके अंदर आते हैं और इसी एग्ज़ाम के थ्रू आपको एडमिशन मिलता है जीपैट के थ्रू ही। तो जहाँ जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होगे, यहाँ पे कुछ चीज़ें शो हो रही हैं जो आपको बता दे रहा हूँ। इसको कंडक्ट कराने वाली जो एजेंसी का नाम है वो है, आप लोग जानते होंगे, NTA, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो कि बड़े बड़े एग्जाम्स कंडक्ट करवाती है। नीट का एग्ज़ाम यही कंडक्ट करवाती है, IIT का एग्ज़ाम यही कंडक्ट कराती है, एंट्रेंस लेती है, तब जाकर वहाँ पर एडमिशन मिलता है। तो राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी जो है वो करवा रही है इस बार का, जो है NTA ने ही, NTA चूँकि करवाती है उसको। बाकी हम बात कर लेते हैं, देखिए आप लोग यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा इंट्रोडक्शन दे रखा है उसके बारे में, क्या चीज़ें हैं ये। दोस्तों, इंट्रोडक्शन में कुछ इस तरीका का दिया हुआ है कि ग्रेजुएट फार्मेसी एप्टीट्यूड टेस्ट इज नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर एंट्री इनटू एम फार्मा प्रोग्राम। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर आप लोग बी फार्मा किए हुए हो तभी आप लोग इस कोर्स को कर सकते हो, ठीक है। डी फार्मा के लिए नहीं होता है, ये बेसिकली मास्टर कोर्स होता है। एम फार्मा का मतलब होता है मास्टर इन फार्मेसी। टिल 2018 द टेस्ट वॉज कंडक्टेड बाई द ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, जिसको हम AICTE बोलते हैं। NTA कंडक्टिंग दिस टेस्ट 2019, यानी कि देखो दोस्तों 2018 तक, ठीक है, इस टेस्ट को जो कराने वाली एजेंसी थी वो थी AICTE, अर्थात ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। लेकिन अभी जो है NTA इसको अपडेट कर रही है, पिछले दो सालों से NTA इसको अपडेट कर रही है, ठीक है, 2019 से इसको NTA करा रही है। अब यहाँ पे देखो क्या चीज़ें हैं। दिस टेस्ट फैसिलिटी इंस्टीट्यूट टू सेलेक्टेड सुटेबल फार्मेसी ग्रेजुएट फॉर एडमिशन इनटू इन द मास्टर प्रोग्राम। जीपैट इज देयर 3 आवर्स कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन टेस्ट और फ्यू स्कॉलरशिप एंड द अदर फाइनेंशियल असिस्टेंट इन फील्ड ऑफ फार्मेसी आर आल्सो गिवन द बेसिस ऑफ जीपैट स्कोर, ठीक है। अब देखो, इसका कहने का मतलब यह है कि अगर आप फाइनेंशियली वीक हो, थोड़ा सा मतलब फाइनेंशियली आप लोग स्ट्रांग नहीं हो, तो जीपैट का आपके स्कोर के थ्रू आपको स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड कराई जाती है, ठीक है। इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई। तो अब हम देख लेते हैं कि कितना सारा इसका प्रोसीजर होने वाला है, कैसे आप लोग इसको भर सकते हो। इसके लिए सबसे पहले आप लोग करना क्या होगा, सबसे पहले आप लोग गूगल पे जाना, ठीक है, जिसको भी फॉर्म अभी भरना होगा। अभी मैं इसमें बताऊँगा फीस के बारे में। तो सिंपली आप लोग सरकारी रिजल्ट पे जा सकते हो, क्योंकि सरकारी रिजल्ट में चीज़ों का जो है वो बहुत ही सिंपल तरीके में सरकारी रिजल्ट पे आता है, तो आप लोग को आसानी होता है देखने में भी और फॉर्म को फिलअप करने में भी। जैसे हम नीचे की तरफ बढ़ेंगे तो आप लोग देखोगे एडमिशन वाले पोर्शन में, देखो दोस्तों एडमिशन वाले पोर्शन में क्या चीज़ें आ रही हैं। NTA जीपैट, सबसे पहले NTA जीपैट 2020 ऑनलाइन फॉर्म। अब हम इसको कर लेंगे क्लिक। तो दोस्तों, जैसे मैंने क्लिक हुआ तो हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन किया है, आप लोग देख सकते हो, NTA जीपैट एडमिशन 2020 ऑनलाइन फॉर्म 17 फरवरी, यानी कि 17 फरवरी से इसका ऑनलाइन जो है स्टार्ट हो चुका है। अब थोड़ा और हम नीचे आते हैं तो आप लोग क्या क्या देखोगे इसमें। देखो, ब्रॉसर्स ऑफ ग्रेजुएट फार्मेसी एप्टीट्यूड टेस्ट, एनी कैंडिडेट हु वांट्स टू टेक एडमिशन इन जीपैट 2022 स्कोर्स कैन अप्लाई ऑनलाइन फॉर्म 16 फरवरी। देखो 16 तारीख से इसका एग्ज़ाम जो है एडमिशन का प्रोसीजर स्टार्ट हो चुका है। 17 मार्च 2020, यानी कि 17 मार्च तक इसका जो है अभी लास्ट डेट है। और नीचे हम आते हैं, देखते हैं क्या क्या इसमें है। अब देखो, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि कितने सारे फीस लगने वाले हैं, अब उसके बारे में थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। अभी देखो, जो एजेंसी का नाम है यहाँ पे दे रखा है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसीज NTA ग्रेजुएट फार्मेसी एंड एप्टीट्यूड टेस्ट 2022 ऑनलाइन फॉर्म जीपैट 2020 एडमिशन शॉर्ट डिटेल नोटिफिकेशन। जैसे हम थोड़ा सा आप लोग ऊपर की तरफ बढ़ोगे तो देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स शो हो रही हैं। यहाँ पे देखो 16 तारीख से एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुका है,
लास्ट डेट जो है वो है 17 तारीख यानी कि 17 मार्च। जी आपने सही सुना, 17 मार्च तक इसका लास्ट डेट है। 17 मार्च तक आप लोग ऑनलाइन कर सकते हैं। लास्ट डेट टू पे एग्ज़ाम फीस वो जो है 18 तक है। करेक्शन डेट जो है वो 19 से 21 मार्च तक है। और एग्ज़ाम कब होगा वो अभी तक कोई भी नोटिफिकेशन नहीं रिलीज़ किया इन लोगों ने। देखो नोटिफाइड सुन दिया हुआ। अब हम बात कर लेते हैं फीस के बारे में। तो फीस देखो कितना लगने वाला है। जनरल और ओबीसी कैंडिडेट के लिए जो फीस लगने वाला है रजिस्ट्रेशन चार्ज वो लगने वाला है 2000 रुपये। यानी कि अगर आप लोग जनरल या तो फिर ओबीसी से हो तो आपको 2000 रुपये लगेंगे केवल फॉर्म के फिलअप करने का। एससी एसटी और फिजिकली हैंडीकैप की बात करें तो उनका 1000 रुपये लगने वाले हैं, ठीक है। और आल कैटेगरी फीमेल, अगर फीमेल हैं तो उनका लगने वाला है 1000 रुपये। आप लोग यहाँ पर देख सकते हो 1000 रुपये शो हो रही हैं। तो ये तो हो गया, मैंने आपको बता दिया फीस हो गया और इम्पॉर्टेंट डेट के बारे में बता दिया। और थोड़ा और ऊपर जाते हैं हम तो देखेंगे कौन कौन कर सकता है। देखो यहाँ पे एलिजिबिलिटी दे रखा है, पास्ट आर रिपेयरिंग बैचलर डिग्री इन फार्मेसी, यानी कि जो अभी लास्ट ईयर में है वही लोग इसको दे सकते हैं। देखो और नोट, बीटेक फार्मास्यूटिकल एंड फाइन केमिकल टेक्नोलॉजी कैंडिडेट आर नॉट एलिजिबल। यानी कि अगर आपने बायोटेक्नोलॉजी कर रखा है तो आप एलिजिबल नहीं हो इस चीज़ के लिए। इतनी चीज़ें क्लियर हैं आपको। और थोड़ा और ऊपर की तरफ जाते हैं तो देखो कहाँ कहाँ इसके डिस्ट्रिक्ट डिटेल में यहाँ पे दे रखा है, कहाँ कहाँ आप एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रही है। उत्तर प्रदेश में आप लोग देखो कितनी सारी जगह है। उत्तर प्रदेश में जो एग्ज़ाम देने का है कितने डिस्ट्रिक्ट में, वो है आगरा में, अलाहाबाद में, बरेली, गाज़ियाबाद, गोरखपुर, ग्रेटर नोएडा, कानपुर, लखनऊ, मेरठ एंड वाराणसी। उत्तर प्रदेश में इतने जगह एग्ज़ाम कंडक्ट होगी इस डिस्ट्रिक्ट में। राजस्थान की बात करें तो जयपुर, जोधपुर, कोटा, सिकार एंड उदयपुर, तो इतने जगह जो है वो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएगी। बात करें हम एमपी यानी कि मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में भोपाल, ग्वालियर, सागर, इंदौर एंड जबलपुर आप लोग देख रहे हो, और बिहार में और दिल्ली में। तो अदर स्टेट का भी यहाँ दे रखा है, आप लोग देख लो, ठीक है। यहाँ पे सारी चीज़ें शो हो रही हैं, आप लोग भी देख लो कितने कितने जगह एग्ज़ाम जो है ये कंडक्ट करवा रही है। और हम थोड़ा नीचे की तरफ आएंगे तो अब देखो यहाँ पे क्या है, आप लोग ऑनलाइन जैसे ही करना होगा तो आप यहाँ पे देखो अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। तो अप्लाई ऑनलाइन आप लोग ऐसे मत कर देना, जिसको भी करना होगा तो यहाँ पर डाउनलोड नोटिफिकेशन करना। जैसे ही डाउनलोड नोटिफिकेशन पर क्लिक करोगे तो आपके सामने एक उसका ब्रोशर ओपन हो जाए आ जाएगा। सारी चीज़ पहले डिटेल में देख लेना, सारी नोटिफिकेशन जानकारी, तब जाकर आप लोग इसको ऑनलाइन कर सकते हो। अब यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन जैसे दिया, यहाँ पे क्लिक करोगे ना तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होकर आएगा। पा रहे हो यहाँ पे ग्रेटिट्यूड फार्मेसी टेस्ट शो होकर आ गया। अब देखो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है यानी कि साइट सही है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन काम ही कर रहा है। अब यहाँ से आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना होगा, ठीक है। यहाँ पे देखो न्यू रजिस्ट्रेशन, आप लोग यहाँ से जा करके आप लोग अपने फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। तो देखिए यार जीपैट की तरफ से अभी तो ये एग्ज़ाम ये मैंने जो इन्फॉर्मेशन दिया है आपको ये अभी के लिए इन्फॉर्मेशन है। बाकी जैसे कि अदर इन्फॉर्मेशन होगा या अदर यूनिवर्सिटी की कोई रिलेटेड जानकारी होगी फार्मेसी से रिलेटेड या नर्सिंग से रिलेटेड, तो मैं ऐसे इस चैनल पर वीडियो लाता रहता हूँ। तो अगर आप लोग फार्मेसी या नर्सिंग से रिलेटेड या पैरामेडिकल के रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहते हो तो इस चैनल पर बने रहिएगा। और चैनल पर नया चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके रखिए इन फर्दर इससे रिलेटेड अपडेट के लिए। और दोस्तों मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, अगर आपके कोई कमेंट्स हैं कोई क्वायरीज हैं आप लोग मुझे डायरेक्टली इंस्टाग्राम पर जुड़ के पूछ सकते हैं, मैं आपके सबके रिप्लाई करता हूँ। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो में देखी जानकारी बहुत ही अच्छी लगी होगी। मिलेंगे हम ऐसे अगले शानदार वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग योरसेल्फ, हैव अ गुड डे।